फिर अपनी मां के कहने पे छोड़ दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी जवानी में। देखो इसने दुनिया के मुकाबले जीते, माँ की खिदमत का जो मुकाबला है ना, ये भी इसने जीत लिया। और वो जो इस रेसलिंग इसने 29 दफ़ा जीती है, उस पर आखिरत में पता नहीं अजर मिले ना मिले, लेकिन ये जो रेसलिंग इसने जीती है ना, माँ की खिदमत का मुकाबला। Undefeated at the UFC, undisputed lightweight champion of the world, Khabib. जब अल्लाह अजर के लिए बुलाएगा ना कि कौन कौन है जिसने अपनी माँ का ख्याल रखा है, तो ये मुकाबला भी खबीब इसमें भी आगे निकल जाएगा। अल्लाह मैंने अपनी माँ के कहने पर अपने उरूज के जमाने में रेसलिंग को छोड़ दिया। हमारे कुछ साथियों ने बताया, फिर मैंने वीडियोस भी देखी कि रशिया में कोई बहुत बड़ा रेसलर है खबीब नामी, और जब भी आपको पता है रशिया में तो सारे एथियस्ट होते हैं आम तौर पर, अल्लाह के वजूद ही के मुनकिर हैं, और रशिया में इस्लाम का गला इस कदर सख्ती के साथ घोटा गया है, मैं तो समरकंद बुखारा इन इलाकों में होकर आया हूँ, खुद देखा है, वहाँ के मकामी लोगों से मुलाकातें हुई कि किस तरह से इस्लाम को यहाँ कुचला गया है। यानी ऐसा होता था जब रशिया का इनकलाब आया है ना रूस में, और कम्युनिज्म वहाँ पे फैलाया गया है, मज़हब का जड़ से ख़ात्मा किया गया, तो ये जो आज दुनिया में बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बने फिरते हैं, उनमें रशिया भी है। तो रशिया का जो मशहूर रेसलर खबीब, सुनता था मैं उसके बारे में, लेकिन एक बात बड़ी ख़ानदानी कि उस कंट्री में अल्लाह का नाम लेना, कलमा शहादत पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये जो इस्लाम के शियार हैं, और यूएफसी में यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, तो इसमें 29 मुकाबले जीतना, 29, ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमने सुना है कि दुनिया में अब तक कोई ऐसा चैंपियन गुजरा नहीं है, इतना बड़ा चैंपियन के 29 मुकाबले लगातार जीते हों, और फिर अपनी माँ के कहने पे छोड़ दिया। देखो जब आप भी तरक्की की उरूज पर होता है फिर दुनिया छोड़ देता है, खेल नहीं छोड़ता। खेल तो जब छोड़ा जाता है जब आपको पता होता है कि अब मेरा जवाल शुरू है। 29 मैच जीतने के बाद, मैचेस जीतने के बाद सिर्फ माँ के कहने पर छोड़ देना, इसलिए कि हर मैच में उसके वालिद उसके साथ होते थे जिन्होंने उसको ये सिखाया। तो वालिद का इंतकाल हो गया कोरोना से, तो वालदा ने कहा कि अब बाप के बगैर तुम्हें रिंग में उतरने की इजाजत नहीं है। उसने ऐलान कर दिया मेरी माँ ने मना किया है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा माँ की इताअत करने वाला मार्केट में नजर आएगा आपको? हैं, लेकिन आपको ये मुसलमानों में नजर आएंगे। ये इस्लाम की खूबी है, कितनी बड़ी कुर्बानी जवानी में। तो कितनी बड़ी बात है यार अपनी माँ के कहने पर कि भाई बाप के बगैर रिंग में नहीं जाना है, तुम छोड़ दी, अम्मा खुश हो जाएं। तो मैं ये साथियों से कह रहा था, देखो इसने दुनिया के मुकाबले जीते, माँ की खिदमत का जो मुकाबला है ना, ये भी इसने जीत लिया। और वो जो इस रेसलिंग इसने 29 दफ़ा जीती है, उस पर आखिरत में पता नहीं अजर मिले ना मिले, लेकिन ये जो रेसलिंग इसने जीती है ना, माँ की खिदमत का मुकाबला। दुनिया में जब अल्लाह अजर के लिए बुलाएगा ना कि कौन कौन है जिसने अपनी माँ का ख्याल रखा है, तो उसमें भी तो एक मुकाबला होगा ना, कोई आएगा मैंने ये किया, कोई कहेगा मैंने अम्मा को हज कर आया, तो ये मुकाबला भी खबीब इसमें भी आगे निकल जाएगा। अल्लाह मैंने अपनी माँ के कहने पर अपने उरूज के ज़माने में रेसलिंग को छोड़ दिया। तो जैसे ही मुझे वो बताया ना कि साथियों ने कि उसने रेसलिंग, तो मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया याद आ गया। बस चीज़ें ऐसी होती हैं कभी बयान में जहन में नहीं आती, लेकिन जब कोई वाकया आता है तो एकदम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुकाबला किया है, पहलवानी की है, रेसलिंग की है। हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ज़माने जाहिलियत में बहुत बड़े पहलवान थे, मक्का के सबसे बड़े पहलवान मशहूर थे, और इनका रिकॉर्ड था इनको कभी किसी ने हराया
نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کہیں ان کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور چیلنج کیا، آپ مجھے ہرا کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا، لڑائی ہوئی ہے اور ان کو پچھاڑ دیا۔ تو جب پہلی دفعہ پچھاڑا نا تو حضرت رکانہ اس وقت تو اسلام نہیں تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا مجھے کسی نے آج تک زمین پہ چت نہیں کیا۔ تو کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا، یعنی یہ والا کیا ہو گیا کینسل، یہ تو شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی ہے، دوبارہ ان کو پچھاڑ دیا، انہوں نے کہا یہ والا بھی کینسل، دوبارہ عد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد دوبارہ۔ اور یہ قریشی تھے، بنو ہاشم کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب بھی ملتا ہے، قریشی ویسے ہی بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، بڑے صحت مند ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی ان کو پچھاڑ دیا۔ پھر یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، مسلمان بعد میں ہوئے۔